हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द चैप्टर प्रोनाउन, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। तो देखते हैं हम प्रोनाउन फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स सी इट फर्स्ट विद द एग्जांपल। सिद्धार्थ प्रॉमिस्ड इट सिद्धार्थ वुड क्लीन हिज रूम आफ्टर सिद्धार्थ फिनिश द वर्क दैट सिद्धार्थ वॉज डूइंग। ये है कि सिद्धार्थ प्रॉमिस करा है कि जो सिद्धार्थ अपना रूम क्लीन करेगा जब सिद्धार्थ का काम ख़त्म हो जाएगा और जब सिद्धार्थ जो काम कर रहा है, ठीक है। तो हम ये तो बार बार नहीं कहेंगे ना कि बार बार उसका नाम लेके बात कही जाएगी। हम ये कहेंगे ना कि सिद्धार्थ ने प्रॉमिस करा है कि वो अपना रूम क्लीन करेगा जब वो उसका काम ख़त्म हो जाएगा जो वो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें नाउ हम इसको रीड करते हैं। अब सिद्धार्थ प्रॉमिस दैट, तो क्या लग जाएगा इस पर? ही वुड क्लीन हिज रूम आफ्टर ही फिनिश हिज वर्क दैट ही वॉज डूइंग। तो हमें क्या समझ आया प्रोनाउन से कि हम ही शी इट वैन हर हिम इट, ये सारी चीज़ हमारी प्रोनाउन में होती हैं, ठीक है। वर्ड ही इज यूज टू प्लेस द नाउन सिद्धार्थ इन द सेकेंड सेंटेंस। ही का भी यूज़ करा है प्लेस नाउन की जगह पे सिद्धार्थ का सेकेंड सेंटेंस में। दिस मेक द सेकेंड सेंटेंस शॉर्टर, जिसकी वजह से जो सेकेंड सेंटेंस है वो शॉर्टर एंड ईजियर टू रीड हो जाता है। हमने समझ लिया, हमें बार बार सिद्धार्थ का नाम नहीं लेना पड़ा। अब देखते हैं वर्ड्स दैट आर यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं एज शोन इन द एग्जाम्पल में हमने देखा अबव आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो कि समझ गए कि जो कि वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ हो जाएंगे, जैसे ही शी हिम ये सब नाउन की जगह पे यूज़ हो जाएंगे तो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। वी यूज़ देम टू मेक सेंटेंस लेस रिपीटिव। हम ये यूज़ करते हैं सेंटेंस को लेस, मतलब उस चीज़ को बार बार वो कि वो कम रिपीट हो, जैसे ऊपर सिद्धार्थ रिपीट हो रहा था बार बार। सम कॉमन प्रोनाउन आर कौन कौन से हैं हमारे? आई मी वी us, you, they, them, she, her, he, him and at, they are the pronoun, common pronoun. Example देखते हैं, I am playing with Mary and Hema. तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? नाम हटाकर, noun हटाकर, they are my friends. Mummy and I went to the market and we bought new things. मतलब दो जने हो गए, we, mummy and I की जगह हमने we लगा दिया. Wellen has had joined my school. तो शी इज़ माई न्यू स्टूडेंट, उसका नाम लेने की वजह उसने शी लगा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन डेट वुड कम्प्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है जॉय हैज़ लेफ्ट इज, जॉय हैज़ लेफ्ट हिज स्वेटर हेयर, वी विल गिव इट टू डैश टुमोरो। तो यहाँ पे क्या लगेगा? जॉय जो है वो एक बॉय है, तो इतना तो हमें पता है कि बॉय की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही विल Give it to him, मतलब किस उसको दे देगा कल, tomorrow, ठीक है। शीतल got a new bicycle on her birthday. शीतल ने नई bicycle ली अपने birthday पे. Dash has a shiny bell and a basket, जो कि shiny है, bell है और basket है जिसमें। तो क्या लगेगा आप बताइए? It लगेगा, she लगेगा, me लगेगा। देखो me लग नहीं सकता, me मतलब मैं हो गया, पर यहाँ पे किसकी बात चल रही है? साइकिल की बात चल रही है कि साइकिल जो है वो शाइनी और शाइनी बैल और बास्केट है। तो मी तो लगेगा नहीं, मी तो शीतल हो गई, शी भी नहीं लगेगा। शी किसके लिए लगता है? लड़की के लिए। तो क्या लगेगा? इट, इट क्योंकि साइकिल की बात हो रही है। जगत एंड हिज फ्रेंड्स आर वॉचिंग द मैच ऑन टेलीविजन, डैश आर प्लेइंग अ लॉट्स ऑफ नॉइस। फर्स्ट है दैम, सेकेंड है दे एंड थर्ड है हिम। हिम नहीं लगेगा, हिम मतलब एक की बात हो रही है तो हिम नहीं आएगा, ठीक है। दे मतलब दो की बात हो रही है, ठीक है। और देम मतलब कि हम पॉइंट कर रहे हैं उनको कि जगत एंड हिज फ्रेंड, तो वो दो लोगों की बात हो रही है कि वो खेल रहे हैं, तो वो कोई और बता रहा है ना, तो आ जाएगा दे, ठीक है। फोर्थ, निलेश एंड आई विल गो टू द मॉल। निलेश और मैं मॉल गए, डैश वॉन्ट टू बाय सम बुक। तो क्या आएगा? अस आएगा, अस नहीं आएगा क्योंकि yours भी नहीं आएगा। क्या आएगा इसमें? वी आएगा, वी वॉन्ट, क्योंकि एक तो आई लग गया, आई के साथ क्या लगेगा? वी लगेगा, ठीक है। आई मतलब का हो जाता है वी हो जाता है। वी कुड नॉट गेट ऑन टू द बस, डैश इट वॉज टू क्राउडेड। हम बस में नहीं चढ़ पाए, डैश इट वॉज टू क्राउडेड। तो दे नहीं, वी, वी भी नहीं, क्योंकि किसकी बात हो रही है? एक बस की बात हो रही है, तो इट आ जाएगा। सिक्स, माई ब्रदर वॉन्ट For a streak in the heel and enjoy outdoor adventures.
तो दे नहीं आएगा, दे क्योंकि दो और दो से ज़्यादा के लिए होता है, ही एक बॉय के लिए बात हो रही है तो ही आ जाएगा। सेवेंथ, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए गए, दो लोगों की बात हो रही है, वाई डोंट यू कम विद डैश, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते हो, तो वी वी मतलब मैं, और मैं मतलब मैं हो गया, तो मैं की तो बात नहीं हो रही है क्योंकि वो किसी और से कह रहा है कि तुम क्यों नहीं आते, तो मी भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते हो। प्लीज़ गिव अरान्या एंड फरा सम मनी, प्लीज़ अरान्या और फरा को कुछ पैसे दे दो, डैश नीड टू बाय सम स्टेशनरी, तो ये खुद सोचो क्या आएगा, दो लोगों की बात हो रही है तो इट नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। नाइन्थ, माई मदर एंड आई, दो लोग हो गए, गो टू द पार्क ऑन संडे, डैश यूजुअली टेक अ पिकनिक लंच विद डैश, तो किस दो लोगों की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, शी तो नहीं आ सकता तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमें देखना है कि यस आएगा, अस आएगा या वी आएगा। अस मतलब हो गया मैं और मम्मी, वी मतलब हो गया हम दो, तो सबसे पहले क्या आएगा, वी यूजुअली टेक, हम ले जाते हैं लंच विद अस, हमारे साथ, ठीक है। टेंथ, दिस इज़ अ डैडीज वॉच, ये डैडी की वॉच है, ग्रैंडपा डैश गेव डैश टू डैश, ग्रैंडपा ने दी, मतलब इट वो मतलब वॉच के लिए यूज़ हुआ है, इट टू हिम, हिम मतलब डैडी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिव प्रोनाउन, प्रोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोसेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिप्लेस अ नाउन, ये रिप्लेस करने के लिए होता है नाउन को हटाने के लिए, नाउन क्या बताए थे मैंने, आई सॉरी, ठीक है, नाउन को हटाने के लिए एंड टू शो पोजेशंस और ओनरशिप, और ये दिखाने के लिए कि ये जो सामने की चीज़ है ये तेरी है या मेरी है, मतलब दिखाने के लिए ओनरशिप की किसकी है। सम कॉमन प्रोसेसिव प्रोनाउंस क्या है, माइंड, माइंड मतलब मेरा, योर्स मतलब तुम, हिज हर्स इट्स योर्स देयर्स, एग्जांपल इज दिस नोट्सबुक, ये नोटबुक योर्स तुम्हारी है, और इज इट माइंड या मेरी है, ठीक है। रिमेंबर वी नेवर यूज अपोस्ट्रोफीज इन प्रोसेसिव प्रोनाउंस, कि वो जो हम ऊपर लगा के कॉमा लगा के लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ कभी यूज नहीं करते इनमें, ठीक है। सी है टेक द करेक्ट प्रोसेसिव प्रोनाउन इन द ब्रैकेट, फर्स्ट इज दिस बैग बिलोंग टू मी, ये बैग जो है ये मेरा है, तो क्या लगेगा, इट्स माइन मेरा है या हर्स, तो इसमें आ जाएगा मेरे के लिए माइन। सेकेंड, आई फॉरगॉट माई बुक, मैं अपनी बुक भूल गया, अरुण लैंड मी हिज और हर्स, अरुण है बॉय है तो हिज आ जाएगा। थर्ड, योर हाउस इज क्लोजर टू द पार्क देन, तुम्हारा हाउस क्लोजर है पार्क के देन मेरा या फिर योर्स, तो मेरे के लिए माइन आ जाएगा। फोर्थ, दिस टॉय इज शेयर्ड बाय माई सिस्टर एंड मी, ये टॉय मेरी, मैं और मेरी सिस्टर शेयर करते हैं, तो इट्स ये आर्स, अर्स मतलब तो ये हमारा है, ठीक है। इट दिस कोट बिलोंग टू माई मदर व्हेन शी वाज चाइल्ड, ये कोट मेरी मम्मी का है जब वो छोटी थी, इट वॉज हर्स, हर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी बात हो रही है, बट नाउ इट इज़ माइन, बट अब ये मेरा है। सिक्स, योर शूज़ आर कवर्ड इन मर्ड, तुम्हारे शूज़ मिट्टी में गंदे हो गए हैं, द मर्डी फुट प्रिंट्स इन द किचन मस्ट बी, तुम्हारे फुट प्रिंट्स किचन में, तो माइन, माइन मतलब मेरा या तुम्हारे, योर्स फुट प्रिंट है। यू वॉन दीज बुक इन द कॉन्टेस्ट, दीज बुक्स आर, तुम ये बुक्स जीते थे तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, तुम जीते थे, दीज बुक्स आर योर्स तुम्हारी हैं। Kia said that she was sorry. Kia ने कहा कि वो से सॉरी है. She said that the mistake was, वो कहती है कि mistake किसकी है, मेरी है या फिर hers, hers उसकी है. Now gender, gender क्या होता है, all noun and pronoun can be characterized by gender, जितने भी noun और pronoun होते हैं वो gender के वाइज characterized होते हैं, ऐसा हमें पता है, gender मतलब female है, male है, common gender है, ठीक है। Four genders होते हैं English में, नाउन प्रोनाउन स्टेट प्रेफर टू द मेल, अगर कोई मेल की बात हो रही है तो उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, एग्जाम्पल मैन, अंकल, ग्रैंड फादर, लाइन, ही, हिम और हिज हो जाता है। नाउन एंड प्रोनाउन डेट प्रेफर टू द फीमेल आर द फेमाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, एग्जाम्पल क्या होता है, वुमेन, आंट, ग्रैंड मदर, लाइनेस, शी, हर, हर्स, ये सब हमें पता है कि ये फीमेल के लिए यूज़ होता है।
नेक्स्ट नाउन एंड प्रोनाउन डेट प्रेफर टू द बोथ, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे स्टूडेंट है, हमें नहीं पता स्टूडेंट बॉय या गर्ल है. फ्रेंड दे, दे दो लोगों के लिए होता है, हमें नहीं पता वो दोनों बॉय या गर्ल हैं. दैम यू, योर्स, योर्स मतलब यू, हम नहीं पता हमारा सामने जैसे हम बात कर रहे हैं हम उससे यू कह के बात कर रहे हैं तो वो कौन है, लड़का है लड़की है. योर्स मतलब तुम्हारा, तुम कौन हो मतलब लड़का हो लड़की हो. माइन, वी, अस एंड आई. नाउन एंड प्रोनाउन डेट प्रेफर्स टू द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग विच आर नीदर, जो लिविंग थिंग होते हैं और नॉन लिविंग थिंग होते हैं, ना थी तो मेल होती नॉर फीमेल, फीमेल होती है, बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर जिसको कहते हैं. एग्जाम्पल सोप, हमें नहीं पता है मेल है फीमेल है. चेयर, ट्री, अम्ब्रेला एंड इट. ठीक है, अब देखते हैं इसमें डी पार्ट. सर्कल द नाउन एंड द प्रोनाउन इन ईच लाइन, फिर प्रोनाउन और प्रोनाउन को सर्कल करना है. राइट दैम अंडर द करेक्ट हेडिंग. Aranya said she will meet us at the restaurant. Aranya kya hai? Noun ho jayega. She pronoun, us pronoun and the restaurant is noun. My mother's nice is my cousin. Mother nice and the cousin pe ho jayega kyunki hame noun aur pronoun pe karna hai. He played with the duck, a cat and the goose on the farm. Theek hai? Goose kya hote hain? Duck ke bachcho ko kehte hain. He, duck, cat, goose on the farm pe सर्कल हो जाएगा. पॉली सेड दैट शी विल स्लीप अर्ली टू नाइट, पॉली हमारा नाउन हो जाएगा और शी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा. क्विट, बी क्विट, द बुल इज स्लीपिंग, लेट्स डू नॉट डिस्टर्ब हिम, चुपो जाओ. ठीक है, तो बुल ठीक है मेल है और हिम. इफ द पेन इज योर्स, पेन हो जाएगा और योर्स हो जाएगा. वेयर इज माइन, मेरा कहाँ है, तो माइन पे हो जाएगा, प्रोनाउन है. दैट लेडी इज अ राइटर, शी इज अ फेमस लेडी राइटर एंड शी पे हो जाएगा. अब हमें लिखना भी है तो मैक्यूलाइन क्या है, मतलब मेल के लिए यूज़ होता है, तो ही, और फिफ्थ सेंटेंस में क्या था, बुल था और हिम था. ऐसे फेमिनाइन के लिए क्या है, अराना शी, सेकंड में था मदर हेयर, थर्ड में था डक गूस, फिर था पॉली शी एंड द सेवेंथ में था लेडी एंड शी. कॉमन क्या है, कज़न है, कज़न हमें नहीं पता क्या है, किड है, किड हमें नहीं पता बॉय है गर्ल है. योर्स एंड द माइंड, मुझे नहीं पता माइंड में ये लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है. और राइटर, राइटर हमें नहीं पता कौन है. ठीक है, न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट, जिसमें हमें नहीं पता कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता वो बॉय या गर्ल है. रेस्टोरेंट हमें नहीं पता, फार्म हमें नहीं पता, एंड द पेन. ठीक है, ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन प्रोनाउंस ऑफ द अपोजिट जेंडर चूज फ्रॉम द बॉक्स. बॉय का गर्ल, शी का ही, गॉड का गॉडेस, टाइगर टाइग्रेस, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, हस्बैंड वाइफ, ब्राइड का ग्रूम, ब्राइड मतलब दुल्हन, ग्रूम मतलब दुल्हा. हिज बॉय के लिए यूज़ होता है, हर्स लड़की के लिए यूज़ होता है, मदर एंड द फादर. सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर. थैंक यू.